ये तस्वीरें हैं मणिकर्ण सड़क मार्ग की, जो अभी तक कसोल से पहले सुमरोपा के पास से जो सड़क क्षतिग्रस्त हुई है उसे बहाल करने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। भारी बरसात के बाद जो आपदा आई है, आपदा से पार पाना और जनजीवन को सामान्य बनाना एक नई चुनौती बनी हुई है, और इस चुनौती को पार पाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। बारिश के बाद यहां पर सड़क मार्ग को बहाल करना एक चुनौती बन गया है, क्योंकि हर रोज बारिश के बाद यहां की मिट्टी दलदल के रूप में बनती जा रही है और सड़क पुनः धंसती जा रही है। लेकिन इस पहाड़ से लड़ने के लिए चट्टान सा इरादा होना चाहिए, और चट्टान सा इरादा लेकर मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर खुद मौके पर मौजूद है, और उनका प्रयास है कि किसी भी तरह से सड़क मार्ग को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें, आप देख सकते हैं कि सड़क मार्ग को बहाल करने के लिए पहाड़ों में खास करके किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहां से कसोल की तरफ जाने के लिए पैदल जो रास्ता था बहुत संकरा था, लोगों की आवाजाही पैदल यहां से शुरू हो चुकी है। वाहनों को कब तक यहां से जाने की इजाजत मिलेगी ये अभी देखना होगा। कोशिश की जा रही है कि वाहनों को भी यहां से जल्द इस काबिल बना दिया जाए, इस सड़क मार्गों के वाहन यहां से निकल सके, मणिकर्ण के साथ जो है सड़क का रास्ता वो बहाल हो सके। विभाग भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से मणिकर्ण कसोल को सड़क मार्ग से जोड़ दिया जाए और यहां पर यातायात व्यवस्था को जो दैनिक जीवन के उपयोग आने वाली जरूरतें हैं उनको घाटी तक पहुंचाने के लिए इस रास्ते को बहाल किया जा सके। इस समय आप देख रहे हैं सुंदर सिंह ठाकुर अपने वाहन को इस सड़क मार्ग से बहाल करते हुए, ताकि एक संदेश लोगों तक जाए कि प्रशासन और सरकार पूरी तरह से पूरी शिद्दत से इस सड़क मार्ग को बहाल करने में लगी है। कुल्लू घाटी में ही नुकसान की इस तरह की तस्वीरें आपको अमूमन देखने में मिलेगी, और इन दिनों केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन को लेकर एक विशेष टीम जो है वो कुल्लू घाटी का दौरा कर रही है। वो भी इस क्षेत्र का दौरा करेगी और जानेगी कि आखिर इस बरसात ने कितने जख्म इस घाटी में दिए हैं। अपने आप ऊपर से देखो एक बार, आनी आनी यहां से आनी कैसी बस आ जानी है यहां राणा बरसात में। जहां घाटी की नदियां तो उफान पर हैं ही है, लेकिन नदी नाले भी अपने पूरे उफान पर हैं। पहाड़ों से ये पानी लगातार रिसता जा रहा है, जो नीचे आकर सड़क मार्गों को अवरुद्ध करने में अपनी भूमिका निभाता है। लोगों में और विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों में ये विश्वास दिलाना उन्हें बहुत जरूरी होता है कि आपके द्वारा जो मेहनत की जा रही है वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगी। और सुंदर सिंह ठाकुर इस गाड़ी को लेकर खुद कसोल की ओर आ रहे हैं, ताकि एक संदेश दिया जा सके कि बहुत जल्द अब जो है कसोल और मणिकर्ण जो है वो सड़क मार्ग से जुड़ जाएगा, और यहाँ की जो फसलें हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो सैलानी हैं, वो अपने वाहनों के द्वारा अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। अब इसको ऊपर को दो चार चक्कर लगाओ, आज पहली बार लगभग 10 दिनों के बाद यहाँ ये माननीय मुख्य संसदीय सचिव का जो वाहन है वो इस नए रास्ते से गुजरकर कसोल मणिकर्ण की तरफ पहुंचा है, जिससे लोगों को एक उम्मीद बंधी है कि बहुत जल्द अब ये सड़क मार्ग जो है वो बहाल हो जाएगा। दो चार चक्कर हो जाएगा ना, फिर कम से कम मोटरसाइकिल वालों को निकालना। चलो इसको ऊपर मोड़ो, ले जाओ इसको ऊपर मोड़ा।
घाटी में बारिश के बाद बहुत से वाहन जो है यहाँ पर कसोल और मणिकर्ण के इलाके में फंसे हुए हैं। ऐसे में लोग तकतकी लगाए यही राह देख रहे हैं कि कितनी जल्द ये सड़क मार्ग बहाल होता है। आज भी लोगों के सामने बहुत से ऐसे लोग मिले हैं जो पंजाब से हैं या बाहरी क्षेत्रों से हैं, जो चाहते हैं कि उनकी गाड़ी को यहाँ से जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन अभी तक जब तक सड़क मार्ग पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाता, किसी भी वाहन को यहाँ पर रिस्क देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सड़क मार्ग बहाली के लिए माननीय मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, और आपने ये तस्वीरें देखी हैं, लगभग हफ्ते भर से वो खुद इस सड़क मार्ग का जायजा ले रहे हैं और मशीनें दिन रात लगी हैं, और जितना ऊंचा पहाड़ है उतना ही जो है हौसला चाहिए इस पहाड़ को चीर कर दूसरे छोर तक जाने के लिए। और क्योंकि यहाँ से कसोल तक जाने के लिए एक संकरा मार्ग था जहाँ से लोगों को जाना पड़ता था, लेकिन अब सड़क मार्ग एक लगभग बहाल हो चुका है। इसमें गाड़ियाँ तो नहीं चल पा रही हैं, लेकिन अब पैदल चलने के लिए एक बहुत अच्छा सा मार्ग इनका मिल गया है, जिससे वो अपने दैनिक जीवन की जो ज़रूरतें हैं वो इस ओर से उस ओर तक ले जाने में कामयाब हुए हैं। रुक हो रही बारिश भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और ये बरसात इसी तरह से रहेगी, और ऐसे में सड़क बहाल करना एक चुनौती बन गया है, क्योंकि सड़क बहाल करते ही इसमें दलदल बहुत हो चुका है और ऐसे में गाड़ियों को आवाजाही करने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि इस सड़क मार्ग को अच्छी तरह से इसमें बजरी डालकर इसे तैयार नहीं किया जा सकता।